जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। द मोस्ट मिस्टीरियस पर्सनालिटी कल्कि अवतार यानी विष्णु भगवान के आखिरी और अंतिम अवतार, दसवें अवतार, जो हैं सबसे अलग, सबसे अनोखे। श्री हरि ने बार बार धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आना स्वीकार किया, जो उन्होंने वादा किया आज तक वो निभाते चले आए। क्योंकि पालनहार श्री हरि को भी पता है कि उनके अलावा इस दुनिया को संभालने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की त्रिशक्तियाँ इस धरा के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं और तीनों ने ही मिलकर इस दुनिया को यथावत चलाने की जिम्मेदारी अपने अपने कंधों पर ली। जब से ये दुनिया बनी तब से तीनों त्रिदेव अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन भगवान कल्कि जितने रहस्यमय व्यक्तित्व वाले हैं शायद ही कोई और अवतार श्रीहरि का उतना रहस्यमय है। चूँकि कलयुग भी बहुत अधिक रहस्यों से भरा हुआ है, आज के समय में ही देख लीजिए, एक से एक ऐसे रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना भी लोगों ने शायद कभी नहीं की हो या जिन बातों के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं हो। इसलिए भगवान कल्कि ने भी अपने रहस्यमय व्यक्तित्व को लोगों की नज़रों से छिपाकर कुछ इस प्रकार से आज भी रखा हुआ है कि हर कोई चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पाता, केवल उनकी ही मर्जी कि वो किस भक्त तक अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं या कौन सा भक्त उन तक पहुंचना चाहता है, ये भी उनके ही मर्जी पर निर्भर करता है। अन्यथा कोई लाख चाहे और पूजा पाठ कर ले, लेकिन भगवान कल्कि के पास पहुंचना इतना आसान नहीं, या यूँ कहिए असंभव है, क्योंकि उनके गुरु भी कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि साक्षात नारायण यानी परशुराम। और परशुराम का क्रोध, दुर्वासा ऋषि का क्रोध जग जाहिर। हर एक को पता है कि परशुराम भले ही विष्णु भगवान के ही अवतार, लेकिन क्रोध में राम और कृष्ण से बेहद अलग, यानी उनका अपना ऐसा क्रोधित स्वरूप जिसे देखकर दुनिया वाले भी डर जाएं। हालांकि परशुराम की पूजा नहीं की जाती है मंदिरों में, लेकिन फिर भी परशुराम को ही कल्कि ने अपने गुरु के रूप में जब डिवाइन ने डिसाइड कर दिया तो चुनना ही पड़ा। श्रीहरि भी गुरु, शिष्य भी श्रीहरि। देखिए ये किस प्रकार से खेल रच दिया ब्रह्मांड ने। और जिनके गुरु हों इतने क्रोध वाले, तो उनके क्रोध का थोड़ा सा असर तो भगवान कल्कि यानी उनके शिष्य में, तो जो परशुराम के शिष्य यानी भगवान कल्कि, तो उनमें आना ही है। भगवान कल्कि बाकी सारे नौ अवतारों से विष्णु भगवान के सबसे अनोखे, सबसे अलग। उनका अलग पैटर्न है काम करने का, इसलिए उन्होंने अपना अलग पैटर्न रखा, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह भी नहीं है और जो लीलाधारी श्री कृष्ण की तरह भी नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, न ही त्रेता युग न द्वापर युग, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर दानव रूप में मानव आज के भगवान कल्कि को भी दिखलाई पड़ेंगे, ये अंदेशा उन्हें पहले से था। इसलिए उन्हें तैयार किया गया परशुराम के द्वारा इस तरह से कि चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियाँ भी आएँ, वो उनका एक कदम भी पीछे ना हटे, क्योंकि वही तो हैं तारनहार, पालनहार और भक्तों के रक्षक, सनातन की रक्षा करने वाले एवं सनातन की स्थापना करने वाले। तो रहस्यमय व्यक्तित्व वाले भगवान कल्कि का जन्म स्थान भी आज बहुत बड़े रहस्य का कारण बना हुआ है। हर कोई अपने यहाँ के संभल को लेकर ये दावा ठोक देता है कि हमारे यहाँ ही भगवान कल्कि का जन्म हुआ है, लेकिन रहस्यों के गर्भ में छिपे भगवान कल्कि और उनका जन्मस्थान एवं उनका परिवार आज भी लोगों के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके बारे में
किसी को कानों कान खबर नहीं, केवल ज्ञान गंज के वो ऋषि मुनि या एक ऐसे साइकिक जो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बतलाया, जिन्होंने दावा किया कि वो विजिट करके आ चुकी हैं, फीमेल साइकिक जिन्होंने दावा किया कि वो भगवान कल्कि के जन्म स्थान को देखकर आ चुकी हैं, भगवान कल्कि से मिलकर आ चुकी हैं और उनके परिवार से भी उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो जगह कहाँ है, केवल बताया निर्जन शांत स्थान, बाकी चकाचौंध दुनिया की चकाचौंध से और टेक्नोलॉजी से बहुत अलग, बहुत सीधे साधे ढंग का भगवान कल्कि का घर, केवल कम शब्दों में उन्होंने व्याख्या की अपनी मुलाकात के बारे में। तो महाकल्कि अवतार जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, उनमें 9 अवतारों की खूबियां तो रहेंगी लेकिन उनकी अपनी अलग खूबियां रहेंगी एवं उनके काम करने, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, पहली बात। उनके अंदर दूसरों को जो कोई पूजा कर दे तो दया माया मोह इस टाइप का भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये अंतिम युग है, उनका अंतिम निर्णय ही सभी को मान्य करना होगा। तो सबका बही खाता लेकर, सोचिए इतने सारे लोग, इतने सारे प्रत्येक जीव का बही खाता लेकर वो इस धरा पर जब अवतरित हुए हैं, तो युग परिवर्तन का मिशन भी जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, अब आप लोग देखेंगे कि उनका मिशन सूक्ष्म रूप में भले वो अपना कार्य कर रहे हैं, किसी को दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए लोग आजकल प्रमाण मांग रहे हैं, तो उनके द्वारा किए गए जो कार्य होंगे वो ऐसे कार्य होंगे जो इंसानों के वश की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, साइंटिस्ट बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत सारे चीज़ों पर अपना दावा ठोक देते हैं कि उन्होंने इनका आविष्कार किया। अब ये जो आने वाले टाइम में सोलार फ्लेयर्स उठ रहे हैं और ये अर्थ को तबाह करेंगे, अब इसके लिए साइंटिस्ट लोग चाह कर भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो धरती को तबाही मचाने के लिए ही वो तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि सन स्पॉट्स जो आज दिखलाई पड़ रहे हैं वो पृथ्वी के साइज से भी कहीं भयंकर, तो वो तो तबाही मचाने के लिए, महातबाही महाविनाश की मचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो क्या कोई टेक्नोलॉजी उनको रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। तो महाविनाश की जो तस्वीर आने वाले समय में लोग देखेंगे, शायद वो कल्पना से परे हैं, लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंट्रोल कर लिया गया महाविनाश को तो फिर युग परिवर्तन कैसे होगा और नए युग का आगमन कैसे होगा। तो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल एक ही, जैसे एक मोतियों की माला बनी रहती है, एक के बाद एक मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कल्कि के मिशन में सारी घटनाओं को एक माला स्वरूप मोती के डालकर एक एक करके पिरोया गया है। बस यथा समय यथा स्थान वो घटनाएं हो रही हैं, लोग जब तक सोचे समझे कि अचानक ये क्या हुआ, तब तक सारी चीज़ें हो जा रही हैं ख़त्म, चाहे वो पावरफुल कंट्री चाइना में हो या अमेरिका में, इसराइल में हो या ईरान में, इराक में हो या साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ऑस्ट्रिया में, लेकिन होगा। इससे इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है युग परिवर्तन का, हर कोई उससे बच नहीं पाएगा, पर्सनल लाइफ में और पूरे वर्ल्ड वाइड भगवान कल्कि के मिशन का इफेक्ट, युग परिवर्तन का कार्य उनका चल रहा है और चलता रहेगा। तो उनका ये रहस्य जन्म का, उनके कार्य करने के ढंग का, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, किसी के कुछ, भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो बहुत चढ़ावा, सोने का मुकुट चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा, उससे भी वो पसीजेंगे नहीं, यानी उनके सामने हर पिक्चर जब क्लियर होगी तो वो किसी के झांसे में भी नहीं आएंगे, और श्री कृष्ण की तरह जल्दी पिघलेंगे भी नहीं, राम जी की तरह बहुत मर्यादा में रहकर भी काम नहीं करेंगे, तो वो अपना स्टाइल फॉलो करेंगे, अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे, हालांकि 9 अवतार उन्हें सपोर्ट करेंगे लेकिन उनकी अपनी जो स्टाइल होगी वो बाकी के 9 अवतारों से टोटली डिफरेंट होगी, जिसको कि दुनिया समझेगी, जानेगी और एक्सेप्ट भी करेगी, क्योंकि करना ही पड़ेगा, उसी के लिए भगवान कल्कि धरा पर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।